बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। एक सवाल हमसे ये पूछा गया कि रमज़ानुल मुबारक के रोज़े की नियत कब करनी चाहिए। तो आप ये सुन लीजिए और समझ लीजिए कि रमज़ानुल मुबारक के रोज़े मुसलमानों पर फ़र्ज़ हैं, जो कि सलाहियत रखता है और बीमार नहीं है, मरीज़ नहीं है, मुसाफिर नहीं है, तो उसके ऊपर रोज़ा रखना रमज़ानुल मुबारक का फ़र्ज़ है। अब रमज़ान के फ़र्ज़ रोज़े की नियत बेहतर तो यह है कि रात से कर ली जाए, सुबह सादिक जिस टाइम हम सहरी खा रहे होते हैं उस वक़्त में नियत कर ली जाए कि मैं रोज़े की नियत करता हूँ। अगर आपने उस टाइम में रोज़ा रखने की नियत नहीं की, मिसाल के तौर पे आपके सफ़र का इरादा था या तबीयत नासाज थी, इस वजह से आपने उस टाइम में नियत नहीं की, और लेकिन जब रोज़े का वक्त शुरू हो जाता है सुबह सादिक, उस वक़्त से आपने कुछ खाया पिया भी नहीं, सुबह हो गई, सूरज तुलू हो गया और सुबह 7 बज गए 8 बज गए, आधे दिन से पहले पहले निसफ नहार शरई यानी सुबह सादिक और गुरूब आफ्ताब ये दिन शुमार होगा, इसका जो दरमियान है उससे पहले पहले आपने अपना इरादा सफ़र का मुलतवी कर दिया, या आपने देखा कि आपकी सेहत ठीक है, आप रोज़े को पूरा कर सकते हैं, और आपने तुलुए आफ्ताब के से पहले जो जो सुबह सादिक थी, सुबह सादिक से अब तक कुछ खाया भी नहीं है, तो आप अभी भी नियत कर सकते हैं, आपका रमज़ानुल मुबारक का रोज़ा ठीक हो जाएगा। और इसके रोज़े की नियत में कोई अरबी के कलिमात कहना ज़रूरी नहीं है, इतनी नियत कर लेना कि मैं रमज़ान के रोज़े की नियत करता हूँ, ये काफ़ी हो जाएगा। अल्लाह जल्ला शानू से दुआ है अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हमें दीन के मुकम्मल अहकामात को सीखने, उसके मुताबिक अमल करके अदा करने की तौफीक अता फरमा दे।